भाई हमने तो बीजेपी कैंडिडेट नसीम, हम नसीम वोट देना, नसीम हमारा बालक है, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे गोद को, हमारे पाल को, हमने कोई अच्छा लगा, चाहे बीजेपी से हो चाहे हम नसीम वोट देना। लोग कह रहे हैं कि मम्मन अच्छा आदमी है, हमने ना लगा था मम्मन, हम तो नसीम देना वोट। आपको क्यों नहीं लगता मम्मन, ये बताए क्यों अच्छा नहीं भाई, लगता? दूसरा गोद को चार मम्मन, हम नाने वालों की, हमारे भाई, हमारे बेटा, हम अपना वोट देना, गोद को, हमारे पाल को, हमारे बच्चा, हम अपना नसीम वोट देना। हम चलिए, आप कह रहे हैं कि नसीम के लिए वोट दे रहे हैं, गांव करवा दिया, बनगांव करो, मेयो करो, हमारा बाहर आप जेल पड़ा भाई, हमारा आवाज ना समझा, हमने तो नसीम अच्छा लगा, साफ साफ बात है, पक्का पक्का। अच्छा अच्छा ये बताइए, चलिए आप कह रहे हैं नसीम अच्छा लगता है, दो बार नसीम यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, हाँ तो दो बार जब विधायक रहे, क्या विकास कुछ कराया उन्होंने? हमको इज्जत दी बढ़िया, बाप समान बोले, हम इज्जत तो विकास तो अल्लाह करे, जब होएगो पैदा अल्लाह करे, बरसात अल्लाह करे, विकास से भेजो खुदा चाहेगा, नसीम बढ़िया ने इज्जत करा, हमें इज्जत दे, हमको बाप बराबर इज्जत दे, हमें अच्छा लगे। अच्छा ये ओके, नसीम इज्जत देता है, बाकी के जो और कैंडिडेट है, मौजूदा विधायक भी है यहाँ से, और भी कैंडिडेट है, क्या वो इज्जत नहीं देते? हमारा ना बन भाई, हमारा हमारे ना बन, ना इज्जत दे जाने, ना इज्जत ना कुछ है, ना बन हमारे वक्त। अच्छा चलिए, आज वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो फिरोजपुर विधानसभा के गाँव उमरा के अंदर हम मौजूद है, और आज उमरा गाँव में हम रात का समय और रात के समय हम यहाँ पर आके पहुंचे हैं, क्योंकि अक्सर करके जो लोग होते हैं वो अपने काम धंधे के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, ऐसे में शाम का ये वक्त है, और शाम को अभी एक ये कचहरी है, इस कचहरी आपको लेकर चलते हैं कचहरी में, जहाँ कुछ बुजुर्ग है वो खड़े हुए हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार उन्होंने क्या मन बनाया है, और यहाँ से किसको वो विधायक देखना चाहते हैं, क्या मन बनाया है आपने 2024 के चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किस कैंडिडेट को देखना चाहते हो, और आपने क्या चाहिए? इस टाइम नसीम साहब को देखना चाहते हैं जनाब, नसीम अहमद को देखना। हाँ जी, नसीम अहमद की आप बात कर रहे हो, क्या है ऐसा नसीम अहमद में, क्योंकि कैंडिडेट तो और भी बहुत है यहाँ पे। यहाँ बढ़िया कैंडिडेट है जनाब, लायक है, और यहाँ कमल का ही फूल खिलेगा। नसीम अहमद को यहाँ से देखना चाहते हो? देखना चाहते हैं जी। चलिए चलिए नौजवान जी, क्या क्या पसंद है आपको, किसको देखना चाहते हो? नसीम, नसीम अहमद को जी। जी नसीम अहमद को, नसीम अहमद को जी। नसीम अहमद एक तो हर चीज से भलाई है, अच्छा बंदा है, और उसके अंदर गुमान नहीं किसी चीज का, कैसा भी एमएलए बन जाए, जैसे पैसे वाले के और बंदे हैं, सब लोग देख ले उसमें ज्यादा अच्छा आदमी, अच्छा आदमी उसको देखना चाहता हूँ। चलिए दादाजी, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब जी, जो मम्मन जी है जी, इसने हमारा सबसे गहरा रिश्ता था यहाँ हिंदू और मुसलमान का, हाँ। उस रिश्ते को तोड़ दिया इस आदमी ने, मम्मन जी ने, मम्मन जी ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उन्होंने भाईचारा खराब, भाईचारा खराब कर दिया, उन्होंने किस तरीके से भाईचारा खराब किया? उसने जो वहाँ बोले थे भाई हम प्याज फोड़ दे, क्या फायदा है, हमारे यहाँ 36 बिरादरी, हमारी हमारे यहाँ 36 बिरादरी, हमारी कम से कम उम्र 50 साल होगी, 50 साल से 36 बिरादरी का आदमी में एक कूड़ा में खाते इकट्ठे बैठ के चाय पीते, हमारे यहाँ भेदभाव कोई नहीं था, इस आदमी ने इतना गलत अल्फाज किया जिससे हमारे यहाँ समाज में भेदभाव हो गया। नसीम जी ऐसा है, नया नहीं है, जिनका बाप दादा लोग ना बड़ा हुआ एमएलए बन गया, नसीम जी तो चौधरी शकुरुल्ला खान जी का लड़का है, उसका बाप मंत्री भी रहा है, और मेरा हिसाब से 10 कम से कम 4-5 दफा विधायक रहा है, मंत्री रहा है, कांग्रेस में भी रहा है, और इनोला में भी रहा है, नसीम जी 2 दफा इनोला से बनाए, हमारे यहाँ कोई आपसदारी में उसने ना किसी की बुराई ली और ना किसी से बुरा बोला, 36 बिरादरी को साथ ले चलने वाले नसीम जी ऐसा है, यहाँ और कोई कैंडिडेट नहीं है हमारा फिरोजपुर विधानसभा। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आपके गांव में कितनी वोट नसीम जी के लिए यहां से मिल सकती है? चलिए आपकी क्या राय है जी? अरे हम नसीम देखना चाहते हैं, नसीम नसीम एमएलए को देखना चाहते हैं। चलिए चलिए और भी बुजुर्ग है उनसे जानेंगे, उसके बाद जो यहाँ से नौजवान उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या राय है जी? भाई हम तो नसीम की देंगे, नसीम ही हमारा कैंडिडेट है, बढ़िया आदमी है, काम भी वही करे है, सारा काम अन्य वही कर रहे है, और हम लोग तो वही बढ़िया जी। ठीक है चलिए जी, क्या राय है आपकी? मेरी राय भी है जी, पूरा परिवार का आदमी, हमारो अपनो छिड़कलोत गोत को बड़ो परिवार है, पहले से बाप दादा से ही वो बनता आयो है एमएलए, और वह बाप ने बढ़िया काम करे और ये भी इंशाल्लाह बढ़िया काम करे जी। भाई नसीम से राधे, नसीम वोट देंगे, नसीम अच्छा मानस आदमी, काम करा अच्छा, नसीम को देंगे, नसीम बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी।
नसीम बढ़िया आदमी है जी, एक नमाजी आदमी, नसीम को हम पूरी पूरी तरीके से जिताएंगे। नसीम भाई लोग देंगे जी, बढ़िया आदमी है जी। मतलब यहाँ जो खड़े हैं सब नसीम का नाम ले रहे हैं। एक बार नौजवान साथी भी, इनसे भी हम जानते हैं जी भाई जी, आप नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन भाई, क्या मन बनाया इस बार आपने विधानसभा चुनाव? जनाब यही मन बनाया जी, मामन खान के खिलाफ जो वोट करनी है हमें, तो हमें नसीम ही अच्छा लगा उनमें से। नसीम के लिए वोट करोगे जी? चलिए जी, आपकी जो राय है, जो आपकी राय चाहे कोई है, अभी मेरा मशवरा ना हो। चलिए कोई बात नहीं जी। क्या नाम है? सत्तार जी। सत्तार जी, क्या मन बनाया इस बार? जी हमने तो नसीम का मन बना रखा है। नसीम का मन बनाया, चलिए एक और। ताहिर हुसैन है मेरा नाम जी। ताहिर भाई, अब हमने मन बनाया नसीम के साथ रहेंगे, नसीम को वोट देंगे, नसीम को सपोर्ट करेंगे जी जान से। नसीम के साथ, मम्मन के साथ क्यों नहीं, हबीब के साथ क्यों नहीं? ऐसा जी, जो बात मम्मा इसमें नसीम में और कहीं नहीं था, मैंने बात ही ना देखी। हाँ, हमारा काम कराएगा भाई है बराबर का, हम तो नसीम को सपोर्ट कर रहे हैं जी, और नसीम को करेंगे। हाँ चलिए, हमारा गांव में इतना जज्बात है, छोटा से बड़ा तक 70-80% हम इसके लिए वोट डाल रहे हैं। पूरी मेवात के अंदर आज के दिन करीबन करीबन 30-40 के बीच में इसकी फाइटिंग भी फाइनल है। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।